देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की आज 101वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सोमवार को दिल्ली के शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 101वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। इन नेताओं ने सुबह शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ नेता पीसी चाको, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन और पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में चंद लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और उनके व्यक्तित्व की मिसालें दी गई। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी गांधी भी एक ऐसा ही नाम है जिन्हें उनके निर्भीक फैसलों और दृढ़ निश्चय के चलते लौह महिला कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहाँ 19 नवंबर 1917 को जन्मी सुंदर कन्या को उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया। पिता ने उनके सलोने रूप के कारण उसमें प्रियदर्शनी भी जोड़ दिया। फौलादी हौसले वाले इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार और कुल 4 बार देश की बागडोर संभाली और वह देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। For more information, log on to www.clips.in.